हाय गाइस, मैं सोमवीर पवार व्याख्याता इतिहास। हम हमारे SVM जयसिंह वास यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज कक्षा 10th की सोशल साइंस सामाजिक ज्ञान का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें आज का हमारा जो पाठ होगा, चैप्टर होगा, वो होगा केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, सरकार का मतलब होता है किसी भी देश के सिस्टम को जो मेंटेन किया जाता है वो वहाँ की सरकारों के द्वारा किया जाता है, चाहे वो प्रशासनिक दृष्टि से हो, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से हो। हर तरीके से सरकारें उस देश के सिस्टम को एक स्थायित्व प्रदान करती हैं। केंद्र सरकार जो है, देखिए आपको पता है भारत के संविधान के अनुसार संविधान आवर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में केंद्र सरकार और साथ में राज्यों के लिए राज्य सरकारी कार्यरत है। एक देश के अंदर अनेक राज्य होते हैं, उन राज्यों में अलग अलग सरकारें होती हैं, लेकिन पूरे देश की अगर हम बात करें, किसी कंट्री की बात करें, तो वहाँ एक ही सरकार होती है, होती है केंद्र सरकार, जो आम चुनावों के माध्यम से सत्ता में आती है। यहाँ पे लोकतांत्रिक कंट्री है, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर संविधान के अनुसार सिस्टम कार्य करता है, संविधान की सर्वोच्चता है और संविधान के अनुसार यहाँ सरकारें चलती हैं, कार्य करती हैं। तो केंद्र सरकार के अंदर देखिए, हम केंद्र सरकार में एक विधानमंडल पढ़ेंगे, केंद्रीय विधानमंडल। क्या है विधानमंडल? विधानमंडल के अंदर हमारे यहाँ संसद है। क्या है संसद? जिस प्रकार से केंद्र में विधानमंडल होता है, उसी प्रकार राज्यों का भी विधानमंडल होता है। केंद्र के अंदर केंद्रीय विधानमंडल जो होता है संसद को बोलते हैं, और संसद अपने अंगों के माध्यम से, अपने सदनों के माध्यम से कार्य को गति प्रदान करती है। तो संसद के अगर हम सदनों की बात करें, देखिए भारतीय संविधान का आर्टिकल 79 में इस बात को साफ रूप से लिखा गया है कि भारत में एक संसद, भारत में एक संसद हो, जो लोकसभा व राज्यसभा
से मिलकर बनी है, ठीक है। आर्टिकल 79 में ये उल्लेख किया गया है, प्रावधान है कि भारत में एक संसद होगी जो लोकसभा राज्यसभा से मिलकर के बनी है। अब संसद के सदन कितने हैं? संसद के सदन, सदन यानी हाउस, तो संसद के दो सदन कितने सदन हैं? दो सदन हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, लोकसभा, वह राज्यसभा, राज्यसभा, लोकसभा आर्टिकल 81 के अंदर है, जबकि राज्यसभा आर्टिकल 80 के अंदर है। यानी संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा, 80 राज्यसभा। ये तो हो गई संसद के सदन, क्या हो गई संसद के सदन, समझ में आ गई इतनी बात। अब संसद के अगर हम अंगों की बात करें तो संसद के अंग पास बोलते थे अंग, तो लोकसभा प्लस राज्यसभा के साथ में भारत का जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति महामहिम, उसको भी संसद का अंग माना गया है। क्या माना गया है? संसद का अंग। तो संसद किनसे मिलके बनती है? लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर के संसद बनती है। 52 से लेकर 72 तक राष्ट्रपति के जो कार्य हैं, उसकी शपथ वगैरह है, उसका वेतन है, योग्यताएं हैं, उसका महाभियोग वगैरह है, वो सभी 52 से बेहतर तक राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल से हैं। अब देखिए, हम इनमें अलग से पढ़ते हैं, लोकसभा के बारे में चर्चा करते हैं कि लोकसभा क्या है। लोक का मतलब क्या होता है? जनता होता है। सभा मतलब समूह, अर्थात लोगों का समूह। लोकसभा को क्या कहा जाता है? जनता का सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनता का सदन। एक नंबर बात हो गई, यानी लोकसभा जनता का सदन, लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। कौन सा सदन? लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। क्यों लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है? जनता का सदन क्यों कहा जाता है? जनता का सदन तो इसलिए कहा जाता है, लोकप्रिय सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों का सिलेक्शन किया जाता है, चुनाव किया जाता है, उनको चुना जाता है। समझ गए इतनी बातें? यानी यहाँ पे जनता डायरेक्ट वोट करती है जिनको, जो प्रतिनिधि होते हैं उनको, और वही प्रतिनिधि कहाँ जाते हैं? लोकसभा के अंदर जाते हैं। समझ गए इतनी बातें? तो ये जनता का सदन इसीलिए कहा जाता है। इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। अस्थायी सदन, भाई अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? अस्थायी सदन कहने के पीछे क्या कारण है? देखिए, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष रखा गया है। अब देखिए, 5 वर्ष से पहले भी सदन को भंग किया जा सकता है, सरकार गिर सकती है। क्यों? अगर किसी भी सरकार ने सदन में विश्वास खो दिया है, विश्वास मत हासिल नहीं किया है, तो ऐसे स्थिति के अंदर उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएगा सरकार के विरुद्ध, और अविश्वास प्रस्ताव के तहत या तो उसको अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा, और अगर वो बहुमत साबित करने में असमर्थ है तो सरकार से इस्तीफा देना पड़ेगा। इसीलिए लोकसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
अस्थायी सदन कहा जाता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष होता है। कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष लोकसभा का कार्यकाल होता है। अब देखिए आगे इसकी योग्यता वगैरह क्या है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कितना इनको वेतन मिलता है, किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो लोकसभा लोकसभा की सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले देखेंगे हम इनकी योग्यता। पहला बिंदु कौन सा आएगा? योग्यता, कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहली जो योग्यता होगी इसमें भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी जो योग्यता है वो है उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। इससे अधिक होनी चाहिए। तीसरी बात, दिवालिया या किसी भी नन्हे के द्वारा किसी भी न्यायालय के द्वारा द्वारा दिवालिया पागल या मंदबुद्धि का घोषित नहीं किया गया है। चार नंबर, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। पुष्पेंद्र, लोकसभा के कार्य वगैरह देखते हैं तो लोकसभा का गठन किस प्रकार से होता है? तो लोकसभा के गठन में सबसे पहले का जो बिंदु आता है वो योग्यता आता है, क्योंकि किसी भी कार्य के लिए योग्यता होती है वो महत्वपूर्ण शर्त होती है। इसके लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु, यानी अधिकतम आयु का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की उसकी आयु होनी चाहिए। किसी भी न्यायालय के द्वारा दिवालिया पागल या मंदबुद्धि का घोषित नहीं किया जाए। भाई दिवालिया होगा किसी, मान लीजिए भगोड़ा हो रहा है या फिर किसी बैंक में उसका कर्ज है और वो चुका नहीं पाया और फिर वो आकर के चुनाव लड़ रहा है, तो ये पूरे एक तरीके से ये कहें कि सिस्टम पे ही क्या होगा ये, तो यहाँ संविधान की मर्यादा ही भंग हो जाएगी, उसके रूल्स को फॉलो नहीं किया जा सकता। इसलिए ये शर्त भी रखी गई है, मंदबुद्धि का नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से पूरा देश चलता है और वहाँ अगर किसी इस प्रकार का व्यक्ति है जो प्रतिनिधि जो कोई निर्णय लेने में असमर्थ है तो फिर वो नहीं संभाल पाएगा अपने विभाग को या अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को है सही तरीके से एक दिन नहीं कर पाए। लोकसभा सदस्य बनने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। कौन सी योग्यता होनी चाहिए? जो योग्यताएं
भक्ति है यहाँ पे। पूछ लेते हैं जाऊं के अंदर भी कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो योग्यताओं को आप लोग ध्यान में रखेंगे और अगला जो बिंदु आता है उस बिंदु पे चर्चा करते हैं। योग्यता के बाद में जो अगला पॉइंट आएगा, आपकी योग्यता पूरी हो गई, योग्यता के बाद में इसका आएगा चुनाव या निर्वाचन। निर्वाचन किस प्रकार से होता है लोकसभा के सदस्य? देखिए, लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप या प्रत्यक्ष प्रणाली से। वो गुप्त मतदान है ही प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से कैसे होता है? लोकसभा की देखो, हमारे देश में बात कर रहे हैं, लोकसभा की अधिकतम जो सीटें हैं वो 552 निर्धारित है। कितनी? 552। 500 वर्तमान में कितनी है? 500। निर्वाचन कितने पर होता? 543। तीन बातों को विशेष ध्यान में गलती करके आ गया। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वर्तमान में लोकसभा के सदस्य की संख्या कितनी है? 545। निर्वाचन कितने पर होता है? 543 पर होता है। अधिकतम कितनी है? 552 है। अब निर्वाचन का मतलब क्या? दो जो सदस्य होते हैं वो होते हैं एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय संघ ने होते हैं, दो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। दो व्यक्ति अगर उस देश के अंदर दो व्यक्ति इस प्रकार से राष्ट्रपति उनको चुनता, कहाँ? लोकसभा के लिए चुनता है। राज्यसभा के लिए 12 सदस्य चुने जाते हैं आर्टिकल 83 के तहत। अब यहाँ 543 में निर्वाचन होता है। आपने देखा होगा हमारे देश के अंदर जब आम चुनाव होते हैं, हमारे देश में 29 राज्य आपको होता है और 29 राज्यों में अलग अलग लोकसभा की सीटों का डिवाइडेशन किया गया है। सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं वो यूपी के अंदर है, 80 सीटें। कितनी है? 80। कहने का मतलब क्या है? जो एमपी होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी जिसे सांसद कहा जाता है, सांसद सुविधा की दृष्टि से, सुविधा को मद्देनजर रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने चुनाव की एक ऐसी प्रणाली, ऐसा सिस्टम तैयार किया जिससे ज्यादा दिखते न प्रॉब्लम न समस्याएं नहीं खड़ी हो। इसीलिए उन्होंने अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र बना लिया और उस निर्वाचन क्षेत्र के अंदर लगभग 15-16 लाख की आबादी होती है। वो क्या करते हैं? एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। क्या करते हैं? एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। जिस प्रकार से हमारे राजस्थान की बात करें, राजस्थान की अगर बात करेंगे तो यहाँ लोकसभा की 25 सीटें हैं। कितनी हैं? 25 सीटें। अब कहोगे जिले सर 33 है तो 33 ही होनी चाहिए। नहीं, वो जनसंख्या के आधार पे है। यानी आधार किसको माना गया है? जनसंख्या को माना गया है। दो जिलों को मिलाकर के अगर जनसंख्या पूरी होती तो वहाँ एक ही क्या कर दिया जाएगा? निर्वाचन क्षेत्र बना दिया जाएगा। तो इस प्रकार से राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और 25 सीटों में से जो चुन चुन करके आते हैं सभी जो 25 सांसद आएंगे, इसी प्रकार से 80 यूपी से आएंगे, बिहार से आएंगे, एमपी से आएंगे, वो सभी जा करके ये आंकड़ा कितना हो जाएगा? 543 का। चुनके कितने आ रहे हैं? 543 तो चुनके आ रहे हैं। भाई दो को हमने चुनाव के लिए वोट थोड़ी डाला है, इसको तो नॉमिनेट किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया गया है। तो इसको हम वोट थोड़ी डाला हमने इसको, तो यहाँ चुनाव का जो नाम आएगा, निर्वाचन का जो नाम आएगा तो कितने का आएगा? 543 का ही आएगा। ये बात विशेष रूप से आपको ध्यान।
ध्यान रखनी है। अब जो ये चुनकर के आते हैं लोग, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, उस सदस्य को क्या कहा जाता है? सांसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांसद, एमपीए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद कह दिया जाता है। इसके अलावा अब देखिए, इनका प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, जनता वोट डालती है काउंटिंग के माध्यम से। इसमें जो ज़्यादा मत प्राप्त करता है वो ही विजेता होता है। 5 साल का इनका कार्यकाल होता है, 5 साल से पहले भी इनको पद से हटा दिया जाता है अगर संविधान या पद की गरिमा का उल्लंघन किया जाता है। तो निर्वाचन में भाग कौन लेते हैं आपको पता है? डायरेक्ट जनता भाग लेती है। कौन? जनता भाग लेती। किसके निर्वाचन में? लोकसभा सदस्य के निर्वाचन में। अब लोकसभा सदस्य अब प्रधानमंत्री कहाँ से बनता है? भाई हम बोलते हैं कि प्रधानमंत्री की सदन का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन से हो सकता है। लोकसभा में शर्त ये है कि उसको चुनाव जीतना पड़ेगा। राज्यसभा के अंदर उसको किसी भी राज्य से राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा 6 महीने के अंदर, समझ गए ना। और यही जो 543 है, यही अपने में से जो लोकसभा वगैरह लोकसभा अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनको चुनते हैं, उनका निर्वाचन करते हैं। तो निर्वाचन के बाद में अगली जो बात आती है वो बात आती है कि इनको शपथ कौन दिलाता है, यानी लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है। देखिए, लोकसभा के सदस्य का जो टोकन स्पीकर होता है, क्यों भाई नई लोकसभा बन के आएगी, टोकन स्पीकर मतलब ऐसा ही जो अध्यक्ष बनाया जाता है एक बार, वो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएगा भारत का राष्ट्रपति। अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा? भारत का राष्ट्रपति। ठीक बात समझ में आ गई ना। जबकि अन्य जो सदस्य होते हैं सदन के, उन सदस्यों को शपथ दिलाएंगे कौन? जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, सॉरी लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वो क्या करेगा? अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता है। ये शपथ लेते हैं, पद की शपथ लेते हैं। आगे शपथ के बाद में इनका कार्यकाल, कार्यकाल देखिए, इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष का। लेकिन पद का दुरुपयोग करने के कारण, संवैधानिक गरिमा को भंग करने के कारण इनको पद से पहले भी, सॉरी समय से पहले भी इनको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, ये इनका क्या होता है? कार्यकाल होता है। आगे त्याग पत्र वगैरह, जो त्याग पत्र क्या होता है? ये त्याग पत्र संबंधित सदन यानी लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देते हैं। तो ये हमने लोकसभा की कार्य प्रणाली के बारे में पढ़ा, इसके गठन के बारे में पढ़ा कि लोकसभा का गठन किस प्रकार से होता है और इनके सदस्यों की योग्यताएं क्या होती हैं, किस प्रकार से ये कार्य करता है। अगले जो बात करेंगे, संसद का महत्वपूर्ण सदन राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभा को राज्यों का सदन कहा जाता है। किसका सदन कहा जाता है? राज्यों का सदन। राज्यों का सदन कहा जाता है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, कल फिर से कक्षाएं स्टार्ट होंगी।